मुमलकत आज़ाद इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ए1 टीवी भी पाकिस्तान की एक निशान के तौर पे उभर के आया है। यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस की समाप्त मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट 5:45 पर फैसला सुनाएगी। ए1 टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस की समाप्त मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 5:45 पर फैसला सुनाएगी। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी और तजियाकार सलीम कुरैशी साहब। जी जी बहुत शुक्रिया मोमिना, आपने इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज से अपनी जो आवाम है, जो नाज़रीन है, उनको आगाह किया है। और टेलीफोन पे हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार मुदस्सर हुसैन ने भी। वही साहब बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आप क्या देख रहे हैं ये आज का जो फैसला बड़ा अहम और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि इस वक्त ए1 टीवी की स्क्रीन पर बताई जा रही है कि 5:45 पर ये फैसला सुनाया जाएगा, तो अदालत की आज की पूरी जो कारकर्दगी है, जो पूरी हियरिंग है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? पहली बात तो सर, अदालत की प्रोसीडिंग है, इस पे तो तजिया ना ही किया जाए तो हम उससे गुरेज करें तो बेहतर है, लेकिन क्योंकि बतौर साफी हम तो हकायक है वो तो आपको बताएंगे। तो ये है कि दलाइल तो मुकम्मल हुए हैं, तमाम फरीकेन की अदालत ने दलाइल सुने हैं, लेकिन यहाँ पे तजाद है दो चीजों पे, उस चीज को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। वो तजाद अपोजिशन इस चीज का, जो हुकूमत है इस वक्त हुकूमत पे एतहादी है, उन्होंने भी इस चीज का एतराफ किया है कि या तो फिर जो अप्रैल में फैसला आया था मुनहरफ अरकान का, उस फैसले की रोशनी में मामले को देखा जाए कि अगर पंजाब असेंबली के वो 25 अरकान नायल हुए थे, डीसीट हुए थे सिर्फ आर्टिकल 63 ए खिलाफ वर्जी करने पे, अगर फिर वो सही था तो फिर ये भी सही है, अगर वो गलत था तो फिर ये भी गलत है। इस तरह की मुतनाजा बातें हो रही हैं। अब फैसला क्योंकि कुछ देर के बाद आ जाएगा, हकायक पता चल जाएंगे, पर इस तरह के दबाव की सूरत हाल में आपको भी इलम है, हमें भी इलम है कि इस तरह के दबाव के सूरत में अदलिया की जानिब से कहा जाता है कि इस तरह के फैसले आते हैं जिसमें अफहाम होता है, तो शायद जो 5:45 पे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से जो फैसला आएगा वो शायद आधा तीतर आधा बटेर हो, शायद आपको समझ ना आ सके, हमें समझ ना आ सके वो क्या रहा है। अगर क्लियर फैसला आया तो उसको शायद हुकूमत मानने से इनकार करे और रिव्यू पटिशन में जाए और फिर ये थोड़ा सा आईनी बुरान सा पैदा सा हो जाएगा, लेकिन अगर अदालत की जानिब से माजी की तरह इस तरह का कोई फैसला आ गया जिसमें आधा तीतर आधा बटेर वाली मुहावरा मैंने आपको इस्तेमाल किया, अगर उस तरह की सुर्तियाल हुई तो फिर अफहाम की सुर्तियाल होगी और फिर यकीनी तौर पर जो फैसले हम करते रहे हैं वो मिसाल मौजूद है, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जाने का भी उन्होंने 2 बार जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पिछली दफा हमने ही हुकूमत को घर भेजा था, आपने मिठाइयां बांटी थी, आज आर्टिकल 63A की बात की जा रही है, तशरीह की बात की जा रही है, यही वही तशरीह है जिसका इमरान खान ने या उनकी हुकूमत ने उस वक्त 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था कि जी 63A की तशरीह की जाए ताकि पता चले कि मुनहरिफ अराकीन के पास इख्तियारात हैं या नहीं है। आपने जिस तरह 25 अराकीन पंजाब असेंबली की बात की है, तो आपको नहीं लगता कि वो मामला जाहिर सी बात है लाहौर हाईकोर्ट की जाने से हुआ था, फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से डीसीट किया गया उन्हें, तो यहां मुनहरिफ अराकीन का मामला नहीं है, यहां मामला उस खत पे आकर ठहरा हुआ है कि चौधरी शुजात बतौर सदर और पार्लिमानी जो हेड है उसके दरमियान होने वाला तजाद है। देखिये साकिब, यहाँ पे थोड़ी समझने की जरूरत है, आर्टिकल 63A है क्या? आर्टिकल 63A बेसिकली मुनहरफ होते हैं जो इंसान जो अपनी पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ वर्जी करते हैं उस पर आर्टिकल 63A लागू होता है और उसी पे ही डीसीट होते हैं और उसी पे ही 25 अफराद जो थे MPS थे वो डीसीट हुए हैं। बेसिकली ये मामला सीधा और साफ सा है। सवाल यह है कि बतौर पार्टी सदर चौधरी शुजात अपने पार्टी के मेंबरान को हदायत देकर फैसले क्या रुख बदल सकते हैं? तो यहाँ पे एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि पार्टी के कानून में जो मंशूर है PMLNQ का, बल्कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में मैंने एक चीज पढ़ी थी उसके मंशूर में भी है कि जब तक पार्टी हेड चाहे तो वो पार्लिमानी
की फैसलों को वीटो कर सकता है, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर सकता है, ये उनके मंशूर में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ माजर के साथ एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, ये जरा फरमाइएगा कि पार्टी मंशूर की जब आप बात करते हैं तो क्या पार्टी का आईने पाकिस्तान से ज्यादा मुतबर है? नहीं, पार्टी का आयन तो यकीनी तौर पर मुतबर नहीं है, लेकिन सवाल है कि एक मैकेनिज्म चलता है ना जाकर पार्टी के आयन के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक जो पार्टी का है उसके मुताबिक तो पार्टी के सदर की बात माननी है, और सदर चाहे तो वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले को बदल सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अदालत क्यों माने इस चीज को? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान में ये गुंजाइश है कि नहीं, आईने पाकिस्तान में हमने तो नहीं पढ़ी, हो सकता है कोई कानूनी माहरीन निकाल लें, हमने नहीं पढ़ी। लेकिन यहाँ पे मुदस्सिर साहब आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और जाहिर है हम आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आईन का दिफा करना हर पाकिस्तानी हर शहरी का उतना ही हक है जितना अदलिया का है। सवाल यहाँ पे ये भी एक है कि अगर इस बात को कोई कानूनी माहिरीन समझने की कोशिश भी करें या समझाने की कोशिश भी करें तो 8 अप्रैल की रात जो हुआ, जो इमरान खान ने किया था, उस वक्त भी बतौर पार्टी सदर ही डिप्टी स्पीकर को खत लिखा गया था, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह के उड़ा दी थी कि आर्टिकल 63A में जो अराकीन है उनका इख्तियार शामिल है। तो आज ये मामला खुद एक मिसाल बन चुका है, तो आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट खुद एक बंद गली में चली गई है? खुद बंद के अंधेरे गली में चली भी गई है और अपने फैसलों पर मुतनाजा भी हो चुकी है अदालत, ये भी चीज है। और इंटरेस्टिंग सूरतेहाल ये है कि 5:45 पे जो फैसला आएगा, जिसके ज्यादातर चांसेस यही हैं कि वो नून लीग और इत्तेहादियों के खिलाफ होगा और परवेज अलाई के हक में होगा, ये इम्कानी तौर पे सूरतेहाल 70-80% लग रही है। मैं भी हो सकता है कुछ ना कुछ रिलीफ भी दे दें, अदालत ने हमेशा एक साइड पर रिलीफ भी दिया है, हमेशा दूसरे हरीफ को हो सकता है रिलीफ भी दे दें, लेकिन बाजार ये सूरतेहाल है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग सूरतेहाल यहाँ पे पैदा होगी कि मुझे एक चीज नहीं समझ आई, इन दो दिनों में चौधरी शुजात के वकील तो पेश हुए, चौधरी शुजात साहब का खत भी पेश हुआ, लेकिन चौधरी शुजात का स्टेटस अभी तक किसी ने नहीं मालूम किया कि चौधरी शुजात साहब ने रिटर्न में कोई एफिडेविट अदालत को भेज दिया हो कि भाई मैं बतौर पार्टी हेड, ये चीज नहीं नजर आई। तो इसका मतलब है कि अदालत सिर्फ और सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को देख रही है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी है या गैर आईनी है। अब डिप्टी स्पीकर ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो 17 तारीख इसको जो 22 तारीख को जुलाई को होना था इलेक्शन, उसमें क्या उन्होंने फैसला दिया था उसका जिक्र नहीं किया डिप्टी स्पीकर ने कि उस फैसले की रोशनी की रूप में मैं काफ लीग के 10 वोट शामिल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डिप्टी स्पीकर ने पिछले एक फैसला जो था जो 25 अरकान से मुतलक था, DC 2 थे जिन्होंने पार्टी की पॉलिसी की खिलाफवर्जी की थी, उसका हवाला दिया, उसका हवाला दे के उन 10 वोट्स को खारिज किया। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने चौधरी शुजात के बयान हल्फी की बात की है, एफिडेविट की बात की है, लेकिन जिस डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है वो कहां अदालत में पेश ना हो सके, वो कहां इस वक्त गुमशुदा हैं जिन्हें ना अदालत की मतलब तौहीन आपको नहीं लगता वो कर रहे हैं कि अदालत ने 2 बार उनको बुलाया भी है कि आए आके हमें समझाएं कि मामला है या किस फैसले को समझा आपने, गलत समझा सही समझा, बड़ा सादा सा मामला है। आप जरा पीछे चले जाए, 3 महीने पीछे चले जाए तो इमरान खान साहब को भी तलब किया था, आपको शायद याद हो, डिप्टी स्पीकर के हवाले से तलब तो नहीं किया था लेकिन इमरान खान साहब को भी तलब किया गया था, लेकिन वो नहीं आए थे, उस वक्त एक दफा तो आए थे, लेकिन जब ये डिप्टी स्पीकर के मामला हुआ तो उस वक्त भी तलब किया था कि भी आप आके बताएं मामला कि क्यों किस वजहात के बिना पर आपने ये खत का जिक्र किया था। तो ये तो रवायत रही है, हुकूमत जो भी होते हैं या हुकूमत में होते हैं वो इस चीज के इख्तियार इस्तेमाल करके नहीं भी जाते, वकला को भेजते हैं, ये अजीब किस्म की यहाँ की मुल्क की रवायत है, जो जिसका जो जिल चाहे वो करे, गरीब के लिए इंसाफ भी, अमीर के लिए इंसाफ भी, हर चीज होती है, जो फिसलेगा कौन या फंसेगा कौन या बीच में रगड़ेगा कौन, आवाम रगड़ेगी बेचारी, कुछ नहीं होगा। अभी आप देखेंगे 6 बजे के बाद जो भी फैसला आया, लड़ेगी कौन, आवाम लड़ेगी, चाहे उस पार्टी की हो या उस पार्टी की। एक आखिरी सवाल मुल्ला साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने भरपूर कवरेज की है और सुप्रीम कोर्ट में आप तमाम सियासी जमातों से भी मिले हैं, तो जो इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादी जमात है उन्होंने तो ये बायकॉट भी कर दिया, ऐलान भी कर दिया, लेकिन उनके वकला आज पेश हुए, इरफान कादिर हमें बहरहाल नजर ना आया आज, तो क्या देख रहे हैं कि सियासी जमातों के अराकीन से जो आपकी बात हुई है, जैसे आपने खुद भी कहा कि फैसला किसी के खिलाफ आए तो लड़ेगी अवाम ही, तो सियासी जमातों की तरफ से क्या आपकी गुफ्तगू रही है, क्या वो ये फैसला मनोन कबूल करेंगे चाहे वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर आ जाए या फिर इत्तेहादी जमातों के खिलाफ आए? यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सूरतेहाल बन जाएगी, अगर आपके ख्याल में अदालत ने
जो फैसला हुकूमत के हक में दे दिया, मतलब कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हक में दे दिया, तो फिर यहाँ पे उनको मुंह की खानी पड़ेगी हुकूमती इत्तेहाद को कि उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया था, फिर वो किस मुंह से इस फैसले को मानेंगे। ये एग्जैक्ट उस सूरत हाल में होगी जिस तरह 17 तारीख में पंजाब में इलेक्शन हुए थे और वो बड़े अच्छे साफ शफाफ इलेक्शन हुए थे, इसी वजह से पीटीआई जीत भी गई, अच्छी खासी नशिस्तें हासिल की, लेकिन इमरान खान ने एतराफ नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने तनकीद की। तो यहाँ पे किसी ने मजाक में कहा था कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के सारी सीटें भी जीत जाता, इलेक्शन कमीशन की इमरान खान ने तारीफ नहीं करनी थी। यहाँ पे अगर अदालत ने सरप्राइजिंग तौर पर अगर फैसला दे भी दिया हुकूमत के इत्तेहाद के हक में, तो यहाँ पे फिर एक दिलचस्प सूरत हाल होगी कि अब इत्तेहादी जो हुकूमती इत्तेहादी पूरे हैं वो इस फैसले को मानते हैं कि नहीं, वो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। और मेरा ख्याल है कि ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन शायद अगर ऐसा हो गया, कोई तवक्को नहीं की जा सकती। आज तक हमारी जर्नलिस्ट की भी जो ऑब्जर्वेशन है वो जरा गलत हो जाती है, कुछ होता कुछ एक मामला कुछ और ही निकल आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और आप इस तौर पर आज दिन भर की तमाम सूरत हाल से अपना तजिया दे रहे थे और आज बड़ा अहम दिन है और 5:45 पर अदालत एक बार फिर लगाई जाएगी और फैसला सुनाया जाएगा। जी मोमिना जी, बहुत शुक्रिया हमें सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार साकिब सलीम कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया हुआ था स्टूडियो रूम से। तो बिल्कुल जैसे कि डिप्टी स्पीकर ने आज अदालत लगाएगी और 5:45 पर फैसला सुनाया जाएगा, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।